एक कहानी है दो बच्चों की, जो कि एक गांव में रहते थे। उनमें से एक था 6 साल का और दूसरा था 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल सचिन जैसे मेरे से। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, दोनों हमेशा साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते घूमते। तो एक दिन वो दोनों गाँव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल का, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, जिसको कि वो बुला सके मदद के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिस पर एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया और बाल्टी उठा करके उस कुएं में फेंक दी और अपने दोस्त को बोला पकड़ ले इसको। और उसके दोस्त ने वो पकड़ा और फिर वो पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह खींचने लगा। खींचता रहा और अपनी पूरी जी जान लगा दी उस छोटे से बच्चे ने, 6 साल के, और 10 साल का लड़का उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक कि वो बाहर नहीं आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ये कहानी समझ में आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये दो बच्चे एक हो गए, जब ये बाहर आए, जब ये गले मिल रहे, रो रहे, खुश हो रहे, एक तरफ से इनको डर भी था। डर था कि जब ये गांव जाएंगे तब बहुत पिटाई होंगी, जब हम उनको बताएंगे कि हम कुएं में गिरे और ये सब चीज़ें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर में बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो भरी हुई बाल्टी उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींच पाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गाँव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गाँव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगने लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे तो कोई ना कोई ज़रूर बात होंगी, कोई ना कोई ज़रूर वजह होंगी जिस वजह से ये कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर के उनके पास गए और जा करके कह रहे हैं, देखो जी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए कि कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊँ, वो बच्चा बता तो रहा है कि वो कैसे किया, बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो कि इसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। तो कुछ देर होने के बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि ये छोटा सा बच्चा है कैसे कर पाया, सवाल ये है कि ये क्यों कर पाया, इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। तो वो बोले कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने किया, उस टाइम पे, उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता, कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं था।